हेलो बच्चों, तो आज जो है बच्चों एक्सरसाइज 3.2 को कवर करेंगे क्लास 9 का। इससे पहले के लेक्चर्स आपने नहीं देखा तो पहले आप उनको देखो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों, क्योंकि मैंने उनमें बेसिक सारे टर्म्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कवर किए हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आई होप आप और देख करके यहाँ पे आएंगे तो बहुत मजे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन डेप्थ मैंने बताया, ठीक है ना। बिकॉज बच्चों और कॉन्सेप्ट भी करवाया हूँ, है ना। तो बिकॉज क्या होता है बच्चों, कॉन्सेप्ट इज द पावर, है ना। राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें कह रहा है कि इनका आंसर बताइए जो कंडीशन हमने आपको दिया है ना। तो हमें कंडीशन क्या दिया है वो देखते हैं ना। पहला कंडीशन ये कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल, राइट। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, राइट। तो देखो ये कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल, ये है ना बच्चों, हॉरिजॉन्टल्स एंड वर्टिकल्स लाइंस। हॉरिजॉन्टल मतलब ऊपर से नीचे, सॉरी हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होता है बच्चों, और वर्टिकल मतलब इतना। अब कह रहे पॉइंट ऑफ एनी इन द कार्टेशियन, किसी भी कार्टेशियन में अगर पॉइंट मान लो, अगर यहाँ पे हम अगर कोई पॉइंट डाल देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट तो x और y हो जाएगा, तो क्या होगा, पहला x का हो जाएगा, दूसरा क्या होगा y का हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x एक्सिस कह सकते हैं आप, है ना, और एंड क्या कहेंगे, y एक्सिस, ठीक है। दो ही बात तो हो सकता है, पहला जो होगा x एक्सिस होगा और दूसरा y एक्सिस होगा, तो पहला क्लियर हुआ। चलो अब दूसरा देखो क्या रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। ध्यान से देखो, कह रहा है कि ये जो हमारा एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से प्लेन फॉर्म हुआ है ना, उनका क्या नाम है ना, ये किसका क्या नाम देंगे, इसका क्या नाम देंगे, इसका क्या नाम देंगे और इनका क्या नाम देंगे, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रांट बच्चों, है ना। क्या होता है क्वाड्रांट, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों ड्रॉ करके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो क्वाड्रांट फॉर्म निकल के आता है ना। तो क्या बोल देंगे इस पे, क्वाड्रांट, है ना बच्चों। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं, देख लिया आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इन डेप्थ मैंने कॉन्सेप्ट लेक्चर में भी बताया है कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है ना, किस क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव होता है, कहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, कहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है। इसीलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि पहला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखो, जिससे कि आपको ये और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं बच्चों, कह रहे राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट, है ना। देखो कह रहे हैं कि जब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, जब दोनों लाइन एक जगह पे मीट करता है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑब्वियसली बच्चों कमेंट करो इसका आंसर बच्चों, अगर आपने देख लिया है फर्स्ट लेक्चर तो बताइए मुझे क्या आएगा आंसर। चलो ओके, ओरिजिन आएगा बच्चों, क्या होगा ओरिजिन, है ना, क्या होगा बच्चों ओरिजिन आएगा, और इसका जो सिंबल्स होता है वो जीरो जीरो होता है ना, इनका जो नोटेशन होता है वो जीरो जीरो होता है, ठीक। तो ये हमारे थे कुछ कंडीशन और पूछ लिए थे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये सुंदर सा फिगर्स दे रखा है, इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमें बताना है। तो ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं रीड कैसे करेंगे, ये हो गया वर्टिकल लाइन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको माइनस वाई एक्सिस बोलते हैं, ये क्या होता है माइनस एक्स एक्सिस होता है और ये एक्स प्लस का होता है, ठीक है ना। तो अब ये हमारा एक ग्राफ हो गया, यहाँ पे ये जो वैल्यूज हमने लिया है इक्वल डिस्टेंस में लिया है बच्चों, लिया नहीं ये तो दे ही रखा है आपके बुक्स में, ग्राफ में आप चाहे तो देख सकते हैं अपने बुक निकाल करके, ये देखो सेम यूनिट ले रखे हैं, तो ये इनफाइनाइट तक आप ले सकते हैं वैल्यू, है ना, ये तो कुछ जगह तक ले रखे हैं, आप चाहे तो इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, जितना आपको चाहिए ना आप उतना वैल्यू ले सकते। तो ये हमारा है ओरिजिन बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से इस साइड चलते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होता है, ऊपर जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होता है, इधर जाते हैं तो नेगेटिव, इधर जाते हैं तो नेगेटिव, गॉट इट या नॉट। चलो तो इसको रीड करना समझ में आ गया, कैसे रीड करेंगे, ठीक है। यहाँ से वैल्यू इंक्रीज करते हैं बच्चों, यानी अब ओरिजिन से अगर आप राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगा,
और ओरिजिन से अपर साइड जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगा, ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज करता है, और ओरिजिन से डाउनवर्ड जाते हैं तो ऊपर भी वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखो बच्चों जब भी कोऑर्डिनेट लिखना होता है ना किसी भी पॉइंट का, अगर ए का कोऑर्डिनेट आपको लिखना हो ना तो पहला वैल्यू एक्स का होता है, आफ्टर दैट वाई का होता है, ये भी मैंने कॉन्सेप्ट में करवाया था। तो अब मुझे पूछ रहा है आप बताइए बी जो कोऑर्डिनेट है इनका पॉइंट बताइए कौन सी पॉइंट है। तो बी देखो बच्चों इस फिगर्स में कहां दिख रहा है, अच्छा ये रहा बच्चों बी। तो देखो एक्स पे कितना गया -5 और वाई पे कितना है 2, तो हम एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस का और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -5/2। यानी आप इनका आंसर क्या लिख सकते हैं -5/2, क्योंकि ये इनकी नोटेशन। ठीक, अब देखो हमें कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो सी को इसमें सर्च करो, तो ये रहा बच्चों सी। तो देखो सी में एक्स की वैल्यू कितनी जा रही है -5 है बच्चों, और वाई की कितनी आ रही है -5 है, तो यहाँ पे -5 लिख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे सी की पॉइंट क्या होगा बच्चों, पहला प्लस का और दूसरा क्या हो जाएगा -5, तो 5, -5। ठीक, अब देखो हमें क्या कह रहे हैं थर्ड में, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 और -5। तो कह रहे हैं अब पॉइंट को आइडेंटिफाई, पहले हमें क्या दे रहा था कोई लेटर दे दिया था उसका पॉइंट पूछ रहा था, अब हमें वो पॉइंट दे दिया है और पूछ रहा है कि चलो उसकी पोजीशन बताओ, ये किस पोजीशन पे बैठा हुआ है ना -3 और -5। तो ध्यान से देखो -3 और -5 इसी क्वाड्रेंट में होगा बच्चों, तो इसमें देखो आप ढूंढो कहां पे है, तो देखो कहां पे देखो ई पार्ट है बच्चों, यहां पे देखो एक्स की क्या है -3 वाई की कितनी है -5, तो ये क्या हो जाएगा ई पार्ट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा बच्चों ई हो जाएगा, ई के प्लेसेस पे होगा। ठीक है ना, चलो अब फोर्थ क्वेश्चन देखो कह रहा है द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ 2, -4। तो देखो 2, 4 मतलब 2 प्लस है और ये माइनस है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, है ना। चलो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो बच्चों क्या है जी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी बच्चों। ठीक है, तो जी कोऑर्डिनेट होगा जो इसके पहले। अब देखो क्या कह रहा है अगला एब्सिका, राइट, करें एब्सिका ऑफ द पॉइंट डी, मतलब डी का एब्सिका बताना। एब्सिका मैंने बताया था बच्चों जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज होते हैं ना उनको हम एब्सिका बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस की वैल्यूज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते थे ऑर्डिनेट बोलते थे, है ना। जो हॉरिजेंटली होता था उसको एब्सिका बोलते हैं, और जो वर्टिकली होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों वर्टिकली को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, तो देखो क्या है एब्सिका ऑफ द पॉइंट डी, डी का एब्सिका हमें बताना है। तो देखो डी का एब्सिका, तो ये देखो डी है बच्चों, तो यहां तक डी चलेंगे डी ये रहा डी, तो डी कितना है बच्चों 6 पे है ना, तो एब्सिका क्या हो जाएगा एब्सिका तो हो जाएगा बच्चों अगर आप इनको लेंगे तो एब्सिका यानी एक्स तो क्या हो जाएगा 6, 0, है ना। एब्सिका क्या होता है एक्स पे हमें कितना है 6, वाई पे क्या होगा इसके, तो एब्सिका क्या लिख देंगे आपको 6 बना देंगे। डिस्टेंस ऑफ एक्स इज नोन एज एब्सिका, ठीक है, तो एक्स पे कितना डिस्टेंस है वो आप बता देंगे। ठीक है, y पे कितना आ रहा है, y की कोऑर्डिनेट अगर आप जाएंगे तो 6, 2 आ रहा है ना, तो 6, 2 x की वैल्यू बच्चों 6, ठीक है ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू हमारा जो है वो 2 दे रखा है तो 6, 2 लिख दीजिए, वैसे तो हमारा 6 ही लिखना था बट हमने 6, 2 लिख लिया, कोई इशू नहीं। चलो अब देखो बच्चों 6 में ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, h का हमें ऑर्डिनेट बताना, तो अभी मैंने बताया ऑर्डिनेट क्या होता है डिस्टेंस इन y, y पे जितना डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे। तो देखो h पे कितना डिस्टेंस आ रहा है, h पे y के डिस्टेंस क्या आ रहा है ये बच्चों, यानी हमें जो आ रहा है वो -3 आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से लिखना है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ऑलरेडी ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, इसमें ओनली ये वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पार्टिकुलर पॉइंट नहीं पूछ रहा है एब्सिका पूछ रहा है, तो एब्सिका मतलब x की वैल्यू होती है, ऑर्डिनेट मतलब y की, तो आप चाहे तो ये वैल्यू बोल सकते हैं या आप ये वैल्यू बोल सकते हैं, गॉट इट या नॉट। ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। चलो अब देखो बच्चों कह रहे हैं कि ऑर्डिनेट l है ना, द लेंथ ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑर्डिनेट l, तो l को सर्च करो इस फिगर में कहां पे है, तो यहां पे आपको l दिख रहा है बच्चों, तो l का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे ये तो 0 है तो x 0 हो जाएगा और y 5 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 0 और 5। ठीक, अब देखो लास्ट में क्या पूछ रहा है ऑर्डिनेट ऑफ m,
मतलब m का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है कि m के कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सर्च करो बच्चों m इस फिगर में। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ, यहाँ पे m दिया हुआ है। तो देखो x की वैल्यू माइनस थ्री है, x की वैल्यू माइनस थ्री है और y की वैल्यू तो है ही नहीं, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का थ्री और क्या लिखेंगे, जीरो। x की वैल्यू क्या है, माइनस का थ्री और y का क्या हो गया, जीरो। ठीक है बच्चों, तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ में आ गया। चलो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है, और इनके साथ सभी आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लो। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उनको भी देखो, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।